बेटा चैप्टर नंबर 8 इलस्ट्रेशन 37 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी छोटी कंफ्यूजन आती है। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या कहते हैं, अ कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। एक कंपनी ने क्या करा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच के इशू करे। रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन पर है, 4 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 4 है, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और बैलेंस तब मंगवाया जाएगा जब जरूरत होगी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी रिसीव होगी, 1,40,000, मंगवाई कितनी थी 1 लाख। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर, अलॉटमेंट करी गई है 80,000 एप्लीकेशन, 80,000 इक्विटी शेयर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 80,000 जिसने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करा उसको कितने दे दिए, 80,000। 50,000 एप्लीकेशन जिसने अप्लाई करा उसको, और जिसने 10 के लिए अप्लाई करा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड वॉज गिवन 1,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर जिसको 1,000 इक्विटी शेयर दिए गए थे, 1,000 जिसने अप्लाई करे तो उसको 1,000 ही दिए गए, उसको क्या करा गया, हमने क्या करा, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो हमने उसके शेयर्स पास जनरल एंट्री। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस कंफ्यूजन आ जाती है। तो पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन रिसीव करने की सबसे पहली एंट्री होती है, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, यस टू इक्विटी शेयर, बट इक्विटी को इक्यू लिख रहा हूँ, शेयर को SH, एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 1,40,000 इक्विटी शेयर रिसीव हुए, कितने के, 3, तो 1,40,000 इंटू 3, 4,20,000 फर्स्ट एंट्री। आगे क्या कहते हैं, एग्जैक्टली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 1,40,000 शेयर, और हमने कैपिटल में कितने भेजनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल में, ESC इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,00,000, ओनली 1,00,000। क्यों, क्या हम जितना इश्यू कर रहे हैं उससे ज्यादा भेज सकते हैं, नहीं, 1,00,000 इंटू 3, दैट इज 3,00,000। कुछ रिजेक्शन भी है, और कहाँ गया पॉइंट मेरा, एप्लीकेशन रिसीव, अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर। हाँ, अब ये पॉइंट बताना है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो एक्सेस मनी का हम क्या करते हैं, प्रोराटा, ठीक है, प्रोराटा, ये बात तो जानते हैं। और इसके आगे कुछ ना लिखो तब हम क्या करेंगे, अगर अलॉटमेंट से ज्यादा आ रही है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि अलॉटमेंट से अगर ज्यादा है तो क्या करना है, कभी कभार फर्स्ट कॉल और कभी कभार रिजेक्शन। अब वो बताता हूँ ये पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है, रिजेक्ट कहाँ पे करना होता है। बेटा देखिए, एक छोटा सा पॉइंट है, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन प्रोराटा, ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान से पढ़ना। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट और स्टेट्स दैट एक्सेस मनी एप्लीकेशन रिसीव इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर। एंड एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, मतलब जो अभी भी बच्चे गई एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद उसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। पहला पॉइंट क्लियर, और आगे कब आएगा ये भी पॉइंट पढ़ना। इफ द क्वेश्चन रिक्वायर्स दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिफंडेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, देन द अमाउंट इज ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड द बैलेंस इज रिफंडेड। सर वहां पर क्वेश्चन मेंशन करेगा, वहां पर क्वेश्चन मेंशन करेगा कि हमें क्या करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट से भी ज्यादा आ रही है उसको कॉल्स पर एडजस्ट करना है। पॉइंट दोबारा समझो, कुछ ना लिखा हो तो एक्सेस मनी को प्रोराटा यानी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद उससे भी ज्यादा जो एक्सेस आ गया उसको रिफंड कर देंगे। क्वेश्चन मेंशन कर दे कि आगे कॉल्स तक लेके जाना है, तो एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस आई उसको पहले अलॉटमेंट पर, पॉइंट क्लियर हो रहा है, देन
फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कॉल्स पर, और इससे भी ज्यादा आगे तो रिफंड. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन पर वापसी आते हैं हम लोग. ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करना है? नहीं. तो क्या करेंगे? प्रोराटा, यानी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. और देखो कुछ रिजेक्शन हुई है ना, टू बैंक अकाउंट. अब एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना. मैं ये चेक करूंगा कि मेरा जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी आया कहीं वो अलॉटमेंट को भी तो नहीं क्रॉस कर गया. देखो कैटेगरीज बना रहा हूं, कैटेगरी अप्लाइड अलॉट, फर्स्ट कैटेगरी. ठीक है, 80,000 अलॉट, और अलॉट करे 80,000. सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी कितने की बेटा? 50,000 की है. कितने अलॉट करे इसको? 20,000. और थर्ड कैटेगरी आपकी 10,000 की है और इसको रिजेक्ट कर दिया हमने. इज दैट क्लियर? क्या यहां पर कुछ एक्सेस आया? नहीं आया. ठीक है, यहां पर एक्सेस आया 30,000 और यहां पर, सॉरी, रिजेक्ट. बोलो अब देखो, मैं चेक करता हूं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैटेगरी टू का ही होगा. एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, आप पेपर में ऐसे मेंशन कर देना, टीचर को इजीली हो जाएगा चेक करने में. 50,000 इंटू थ्री, एप्लीकेशन पर आए 50,000 रुपीज, तो यानी 1,50,000. और अलॉट कितने करे हमने? 60,000. एग्जैक्टली, मीन्स 20,000 इंटू थ्री, तो अभी क्या हो गया? 90,000 एक्सेस. अब ये 90,000 कहां पर एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पर. आओ जरा देखे कि अलॉटमेंट पर कितने आने. 4 रुपीज अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, दिख रहा है वीडियो में? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट होगा? कितना से निकालूंगा? 50 या 20? 20,000 इंटू फोर, दैट इज 80,000. एक्सेस कितना है? 10,000. जीरो आ गया ना, चलो 90 लिख देता हूँ. 90 नहीं था वैसे. ये लो अब. ठीक है, तो अब ये क्या होगा? जो एक्सेस मनी आया, ये जो एक्सेस मनी बच गया रिफंड. बोलो बात समझ आई? 90 आया था, 80 था, 80 चाहिए था, 90 ही आ गया, 10 अब वापसी करूंगा. तो अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हो गया? 80,000. दोबारा समझाऊं कैसे? एनीवन हैविंग कंफ्यूजन? ओके, 80,000. बैंक में कितना आ गया? एक तो 10,000 इसका, और ब्रैकेट में मेंशन करूंगा कहां से निकाला, वर्किंग नोट नंबर 2 और 3, दैट इज 10,000 इंटू 3 प्लस 10,000 था 40,000. 10,000 इंटू 3, एक तो वापसी करना है, और 10,000 जो यहां पर बचे हुए हैं इसको वापसी करना है. क्लियर होगी बात? ठीक है, ये थी सेकंड एंट्री. अब थर्ड एंट्री नॉर्मल है बस. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब मैं ड्यू करने की एंट्री कर रहा हूं बेटा, 1,00,000 इंटू 4. ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 4,00,000. और रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अब आगे चलो, यहां पे एक पॉइंट पढ़ना. अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स, जिसने कितने के अप्लाई करे? वॉज गिवन 1,000 शेयर्स, मतलब कौन सी कैटेगरी का बंदा हो गया? फर्स्ट कैटेगरी का. फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने कितनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी? 1,000. क्यों? क्योंकि एक्सेस तो इसका कुछ है ही नहीं. 1,000 मांगे, 1,000 दे दिए, एक्सेस था ही नहीं, उसने पे नहीं करी अलॉटमेंट मनी. तो अलॉटमेंट मनी पे ना करे तो क्या होता है? बैंक में से
माइनस हो जाती है. अब कॉल्स इन एरिया से करवाऊं क्वेश्चन या नॉर्मल कराऊं जो बुक में है? कॉल्स इन एरिया बुक में आपके पास का सॉल्यूशन में कॉल्स इन एरिया से करवा रहा हूं. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा इससे जितना रिसीव नहीं हुआ 1000 × 4. आना कितना चाहिए था 4 लाख. 4 लाख में से 4000 एक तो 4000 नहीं आया और एक 80,000 एडवांस आ गया. यानी 4 लाख में से 84,000 नहीं आया तो दैट वुड बी 3,16,000. यहाँ पर आ गया 4,000 और 3,20,000. बोलो बात समझ आई? ठीक है. अब इसके हमने क्या कर दिए शेयर फोरफीट कर दिए. फोरफीचर की एंट्री किसको याद है बोलिए. शेयर कैपिटल अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स. एक्चुअली मैं फॉरफिटेड शेयर्स लिखता हूँ बेटा. फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. कॉल्स इन एरियर अकाउंट. कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा 4000 जितना रिसीव नहीं हुआ. शेयर कैपिटल में कितना आएगा बोलिए बेटा. शेयर कैपिटल में कितना आएगा एग्जैक्टली जितना कॉल करे बेटा ना कि फॉरफिट करे. कितना मैंने कॉल कर लिया 3 application 4 on allotment. 7,000 × 7 = 7,000. 4,000 रिसीव नहीं हो तो बैलेंसिंग फिगर 3,000 की आ गई. इज दैट क्लियर? 1,000 × 3 भी कर सकते हो. ये आपका हो गया. बोलो क्वेश्चन समझ आया? थैंक यू सो मच.